ऑलराइट, ये मॉर्निंग का टाइम है और हम लोग मानिमेंजंग से तुमलिंग की तरफ निकल चुके हैं। हमारे जो नेबर है टेंटाशी, उनके गाड़ी में 4x4 थार में, और हमारे साथ बाकी भी लोग हैं। ये हमारे गांव के लोग हैं मानिमेंजंग से, और 3-4 गाड़ियां साथ में जा रही है एक साथ कतार में। और जैसा कि आप देख सकते हो कि वेदर फॉगी है और काफ़ी चढ़ाई है, स्टीप है, इंक्लाइन और नैरो भी है। बट देर इज़ वेरी स्पेशल थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, और आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि हम तुमलिंग पूरा गांव ये सारा क्यों जा रहा है तुमलिंग की तरफ। सो लेट्स कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरे ब्रदर इन लॉ को एक इनविटेशन मिला है शादी अटेंड करने के लिए, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आ रखे हो। ये नेपाल साइड है, तो बड़ा ही प्यारा जगह है ये। आपको दिखाता हूँ चारों तरफ कैसा दिखता है यहाँ का शादी। लेट मी शो यू अराउंड। सो ये शादी वाला जो प्लेस है उसका मेन एंट्रेंस है, और आप आगे आगे जाके जाके देख रहे हो कि राइट में पूरा फुल सेटअप लगा हुआ डीजे का शाम के डांस के लिए। तो पूरा गांव यहाँ पे आएगा शाम को डांस करने के लिए। और ये रिसेप्शन वाला एरिया है जहाँ पे लोग खाना वाना खाएंगे। सो ये पर्टिकुलर शादी गुरुंग समाज से है, तो पूरा समाज मिलके ये सेटअप बनाता है, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ। इवन जो सर्व कर रहा होता है सारा, कोई बाहर से कोई रेंट में कोई लेके नहीं आता बंदा, सब अपने ही कम्युनिटी से होते हैं। कोई भाई होता है, कोई दोस्त होता है, कोई बंधु होता है, तो सारे मिलके वो अपना पिचिंग करते हैं। लोग एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा डांस वांस कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो दारू चलती है वो है गोरखा बियर एक्स्ट्रा स्ट्रांग विथ चिकन। सो एंजॉय। ये यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ चलती है सब लैंड रोवर चलती है, और इनका ही बस डोमिनेशन है यहाँ पे। बाकी और कोई गाड़ियाँ नहीं आ सकती है। जो यहाँ की लोकल्स है वो लेके आ सकते हैं गाड़ी, बट वो भी बहुत लिमिटेशन में। और यहाँ पे और एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे आप कोई भी बाइक अलाउड नहीं है। कोई बाइक आप लेके यहाँ नहीं आ सकते हैं, बाकी लोकल हो बाहर से हो अलाउड नहीं है। बाकी लैंड रोवर आती है यहाँ पे, और क्योंकि काफ़ी चढ़ाई है तो यहाँ के लोकल्स को ही अलाउड है टैक्सी मेंटेन करने के लिए, टैक्सी रूट में चलाने के लिए। भाई साहब 6:30 बज गए यार, सुबह मॉर्निंग को आया था, 6:30 बज गए तो अभी तक हम लोग लगे पड़े भाई यहाँ पे जहाँ पे शादी हो रही है वहाँ पे हम लोगों को एक्चुअली बैठा दिया गया है, मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ को। जहाँ पे हम जितने भी गेस्ट आते दे गिव मनी टू द ब्राइड एंड ग्रूम, जो दूल्हा दुल्हन है उनके लिए पैसे देते, तो वहाँ पर लिखना पड़ता सारा कुछ। ऐसा कस्टम कि उनका नाम लिखना पड़ता है, कहाँ से आए और कितना पैसा दिया। सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन समबडी गोस उन्हीं लिस्ट में से कोई उनकी फिर शादी में जाएंगे तो दोबारा उनको वो लिखना पड़ता है सारा कुछ, तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट करते हैं सारा कुछ। ये यहाँ पे समाज में वो सही है। तो जो शादी हो रही है वो गुरुंग समाज में, और मतलब मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा हुआ और ठंड बहुत बढ़ गई है। सो यू कैन सी आई चेंज माई जैकेट, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा धुंध है एकदम चारों तरफ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मुझे लग रहा है एक दो बियर मारना पड़ेगा फिर से। जैसे आप देख सकते हो पूरी वैली एकदम धुंध कोहरे से पूरा ढका हुआ, अभी देख रहे हो
बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी एकदम अंडा है, कुछ नहीं यहाँ पे। और अगर इस साइड देखूँ तो वहाँ पे धूप दिख रही है जो एकदम ढकी हुई है एकदम बादलों में, क्योंकि इस साइड से पूरा इस साइड से हवा बह रही है और हवा के कारण पूरा का पूरा एकदम जितना भी धूप बचा हुआ है सारा ढक गया। बिकॉज 6:30 बज रहे हैं अभी, 6:30 नॉर्मली 6:30 तक रहता थोड़ा बहुत सनलाइट, बट बिल्कुल नहीं है बिकॉज ये सारा जो कोहरा है जो बह के इस साइड जा रहा है। अगर आप देख लो तो शादी वहाँ पे हो रही है, बिल्कुल वहाँ पे ये जो रोड जा रही है ऐसे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे शादी हो रही है। और अभी गाड़ियों की भी लाइन एकदम ख़त्म हो गई क्योंकि अभी जो क्लोज़ करने वाले वो सारे बचे हुए। और बहुत ही प्यारा मौसम है, ये जगह बहुत सही है। अगेन दिस प्लेस इज़ कॉल्ड टुमलिंग और टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वन ऑफ द बेस्ट है ये। मतलब अगर आप आते हो सिलीगुड़ी साइड तो आप सिलीगुड़ी से होते हुए माने भंजे होते हुए एक नाइट वहाँ रह के यहाँ आ सकते हो, एंड यू कैन गो बैक द नेक्स्ट डे और प्रॉब्ली यू कैन स्टे फॉर कपल ऑफ डेज ऑल्सो, दैट डिपेंड्स।